हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद्र को भारत रत्न दिलाने के लिए कई सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल चुका है। राष्ट्रीय पटल पर अपनी हॉकी का लोहा मनवा चुके राष्ट्रीय खिलाड़ी तारक पारकर इन दिनों पैदल यात्रा पर है। उनका एक ही लक्ष्य है कि हॉकी के भगवान मेजर ध्यान चंद्र को भारत रत्न दिलाया जाए। खरगोन मध्य प्रदेश से नई दिल्ली के लिए 1145 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी तारक पारकर, जहां पर ध्यान चंद्र को भारत रत्न दिलाने की मांग की। मेरा नाम तारक कुमार पारकर है। तारक जी, आप राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं और जनता के लिए निकले हैं, कितनी किलोमीटर की यात्रा कब स्टार्ट की है और कहां तक आए, कहां पूरा प्लान है? ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, कुछ मौसम के कारण बीच में देरी भी हुई है और ये 13 फरवरी को दिल्ली में मेजर ध्यानचंद जी नेशनल स्टेडियम पे समाप्त होगी। कहाँ से आप चले? मैं खरगोन मध्य प्रदेश से चला हूँ। कितना किलोमीटर की यात्रा होगी? ये करीबन 1200 किलोमीटर की यात्रा है। नहीं, आपने नेपाल की यात्रा भी की है, दादा ध्यानचंद ने खुद आपको फोन करके आपसे कुछ सवाल किया था, क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि 1978 में मैंने बुरहानपुर से नेपाल की पदयात्रा की थी। उस दौरान मैं झांसी में रुका था और जब झांसी में रुका तो मैं वहाँ होटल में रुका था, तो जब दादा ध्यानचंद जी से मिलने गया तो ध्यानचंद जी का ये कहना पड़ा कि आप खिलाड़ी हो तो आप होटल में क्यों रुके, मेरे घर आके रुकिए। और उस समय उन्होंने 2 दिन मुझे अपना अतिथि बनाया था, तो उस समय का उनका जो व्यवहार और उन्होंने सारे स्पोर्ट्स संस्थानों को मेरे लिए लेटर लिखे थे, सारी चीज़ें की थी, तो वो चीज़ें मुझे जब भी याद आती थी तो मन ग्लानी से भर जाता था कि आज जिस शख्सियत ने अपने को इतना सम्मान दिया है और आज उसी को भारत में भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।